लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बयानों का दौर जारी है। इसी कड़ी में भदोही से कांग्रेस के प्रत्याशी रमाकांत यादव का भी विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रमाकांत यादव पहले बोलता नहीं, बाद में छोड़ता नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर किसी गरीब पर सामंतियों का हाथ चलेगा तो रमाकांत उस सामंती का हाथ काटने का काम करेगा। सुनिए। इसलिए रमाकांत यादव पहले बोलता नहीं, बाद में छोड़ता नहीं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए भी खड़ा हुआ हूं। आज से किसी माई की लाल ने दूध नहीं पिलाया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आंख दिखा के क्यों नहीं करना। आज से अगर किसी गरीब पर सामंतियों का हाथ चलेगा तो रमाकांत यादव निश्चित रूप से सामंती का हाथ काटने का भी काम करेगा। आजमगढ़ के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कुछ दिनों पहले ही भाजपा से टिकट न मिलने से कांग्रेस का हाथ थामा है और कांग्रेस ने उन्हें भदोही लोकसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं सीएम योगी के अखिलेश यादव पर भैंस चराने वाले बयान को लेकर यादव ने कहा कि जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो गया तो योगी कमंडल लेकर भीख मांगेंगे। ये कहा, मैंने कहा योगी जी से कहना, अगर जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा उस दिन योगी जैसे लोग कमंडल लेकर भीख मांगेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये है स्थिति। आज इनकी मंशा एकदम साफ दिखाई दे रही है। आपके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सभी पार्टियां बयानों को लेकर चर्चा में चल रही हैं, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी, दोनों ही लगातार जनता को लुभाने में लगी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोही से महेश की रिपोर्ट।